काला नमक आप सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि काला नमक आखिर बनाया किस तरीके से जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पहाड़ों से तोड़ के लाया जाता है, लेकिन असलियत में भारत में ही बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, और इसे बनाने का प्रोसेस है बेहद मेहनत वाला और बेहद ज्यादा खतरनाक। तो अगर आपने कभी काला नमक बनते हुए नहीं देखा है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सांभर नमक का ट्रक है जिसमें मोटा नमक आता है। ये नमक जयपुर से आता है, राजस्थान से, अब इससे यहाँ पे अपना बनाया जाएगा काला नमक। अभी देखिए यहाँ पे अपनी भट्टी जलाई जा रही है, तो भट्टी में आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने उपले रखे हुए हैं, इन उपलों में सभी में आग लगाई जा रही है। तो भैया एक भट्टी के अंदर कितने मटके लगते हैं? 38 मटके। तो गाइस ये जो आप भट्टी देख रहे हैं पूरी में जिसमें आग लगाई जाएगी, इसमें 38 मटकों में एक साथ अपना काला नमक पकेगा। आग लगने के बाद इसमें और उपले डाले जा रहे हैं, तो नीचे पूरा उपलों का बेस रहेगा जिसके ऊपर नमक पकाया जाएगा। नीचे आग जलाने के बाद अब देखिए सारे में इसमें उपले बिछा दिए गए हैं, और आग के बीच में खड़े होकर ये सारा काम करना पड़ता है। तो ना केवल बहुत मेहनत का काम है, बहुत रिस्की काम भी है। उपले बिछाने के बाद देखिए अब इसमें कोयला डाला जाएगा भट्टी में, तो नीचे उपलों की लेयर रहेगी, उसके ऊपर आएंगे कोयले, और इसी तरीके से पूरी भट्टी के अंदर कोयला डाल दिया जाएगा। देखिए इस भट्टी के अंदर 38 कट्टे कोयले के डाल दिए गए हैं, अब पूरी कोयले की लेयर लग चुकी है इसमें। अब भैया से मटके आएंगे, ये देखिए हम मटके लेके आए जा रहे हैं, ये मटके लगाए जाएंगे भट्टी में, टोटल 38 मटके लगेंगे, और ये जो 38 मटके लगेंगे इनके अंदर पकाया जाएगा काला नमक। अभी आप देख सकते हैं जो अपनी भट्टी है पूरी के अंदर मटके लगाए जा चुके हैं। मटके लगाने के बाद देखिए अब इनमें फिर से कोयला डाला जाएगा, और कोयले में इन्हें पूरा दबा दिया जाएगा चारों तरफ से, कि चारों तरफ से आंच आए जब इनमें नमक पके। कोई 2.5 फीट गहरी ये भट्टी है जिसके अंदर मटके रखे हैं, और आप देखिए मटके बिल्कुल कोयले में दबा दिए गए हैं। इसमें कोयला लगने के बाद देखिए अब नमक लिया जा रहा है, जो नमक का अपने ट्रक आया था, अब वो नमक लिया जा रहा है, सांभर नमक ये डाला जाएगा मटकों के अंदर। तो कोयला लगाने के बाद देखिए इनके अंदर ये जो मटके हैं इसमें नमक डाला जा रहा है, ये पूरा भाई भर दिया जाएगा, इससे आधा रखा जाएगा। अच्छा 5 किलो डालेगा पहले, तो पहले हर एक मटके के अंदर 5-5 किलो साबुत नमक डाला जाएगा, और नमक डालने के बाद देखिए इधर ये ईंटें लगाई जा रही हैं। तो भैया ईंट किस लिए रखी जाती है इसमें? इसके मुंद, इसे मुंदने के लिए, तो इसके मुदाव के लिए, इसे मुंदने के लिए यहाँ पे ईंट रखी जाती है। ये क्या चीज है भैया? बादाम का छिलका है। अच्छा बादाम का छिलका है, अब गाइस इसमें जाएगा बादाम का छिलका। नमक डालने के बाद देखिए इसमें बादाम का छिलका डाला जा रहा है। ये भैया कितना कितना डालता है? अच्छा एक किलो अंदाज से। अब नमक और बादाम का छिलका डालने के बाद देखिए जो मटके हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, ढक्कन लगाया जा रहा है उनके ऊपर। तो गाइस पूरे 24 घंटे का प्रोसेस है ये, अभी देखिए मटके लगने शुरू हुए हैं, दिन की शुरुआत हो रही है, और कल इसी समय जाके ये तैयार होंगे। और ढक्कन लगाने के बाद भैया ये क्या चीज लगाई जा रही है? ये चावड़ी है, ये किस लिए लगाई जाती है? जिससे हीट ना निकल पाए इसकी। अभी देखिए भट्टी के अंदर जितने भी मटके हैं सभी के ऊपर ढक्कन लगाया जा चुका है, ये चावड़ी लगाई जा चुकी है। और भैया अब कितनी देर बाद कुछ डलेगा इसमें? 4 घंटे बाद। अब 4 घंटे पकते रहेंगे यहाँ पे कोयले में, उपले की आंच में। अभी कोई 4 घंटे हो चुके हैं पकते पकते, भैया आप क्या किया जाएगा इसमें? इसको चेक कर रहे हैं। अब इसको चेक किया जाएगा ढक्कन हटा के, हटाइए। तो ये देखिए 4 घंटे से पक रहा है, और अभी आप अंदर देख सकते हैं पूरी लपटे नजर आ रही होंगी आपको। तो भैया पक गए? इसको कैसे पता चलेगा कि पक गया? अच्छा सरिया बता देता है, तो सरिया पे लगा हुआ आ जाता है, ये देख के पता चल जाता है कि पक गया। तो अब क्या करा जाएगा इसमें? अब इसमें और नमक डाला जाएगा। तो ये देखिए गाइस 4 घंटे पकने के बाद अब फिर से नमक डाला जा रहा है। अब कितना कितना नमक डालेगा भैया इसमें? फुल घड़ा भरा जाएगा। अब जितने भी अपने मटके हैं सभी के ढक्कन खोले जाएंगे, और इनके अंदर अब नमक डालेगा सबके अंदर। कोई 2 घंटे और हो चुके हैं, और अब फिर से नमक डाला जा रहा है। तो भैया कितनी बार नमक डालेगा इनमें? 3 बार पड़ेगा हर मटके के अंदर। और आज इतनी तेज है, आपको आवाज आ रही होगी नमक पकने की। अभी 2 बार मटकियां भरी जा चुकी है, अब देखिए 3री बार ये मटकियां भरी जा रही है नमक से। तो ये प्रोसेस ऐसी भैया शाम को किस समय तक चलेगा? शाम को 5 बजे तक, और फिर कल सुबह खोला जाएगा। अब 24 घंटे हो चुके हैं पकते पकते, कल सुबह 5 बजे के आसपास लगाए गए थे, अब अगले दिन के सुबह 4:30 हो रहे हैं। अभी देखिए पक गए हैं पूरे। तो भैया अब ये सारी चावड़ी हटा दी जाएंगी, अब फिर ढक्कन खोल के निकाला जाएगा। चावड़ी हटाने के बाद जो ईंट है अब वो हटाई जा रही है, और ईंट भी देखिए पक पक के बिल्कुल लाल हो रखी है। ईंट हटा दी गई है, और अब देखिए इनके ढक्कन उतारे जाएंगे, और अंदर आप देखिए अभी भी खोल रहे हैं, ये बिल्कुल आपको लाल नजर आएंगे अंदर से, ये देखिए। तो 24 घंटे लगातार पकते रहे हैं, इतने पके हैं कि अंदर जो नमक डला है वो पक पक के लाल हो चुका है, बिल्कुल खोलते हुए नजर आ रहे होंगे देखो आपको। और बाकी लोगों की तरह फर्जी वीडियो नहीं है कि यार शूट कर ली, प्रॉपर 24 घंटे दिए गए हैं, आप देखिए अभी पक्के निकल रहे हैं, बिल्कुल लाल आपको नजर आ रहा होगा खोलता हुआ। और अभी ऐसी गर्म हालत में ही बाहर निकाला जाएगा। तो ये इधर से रास्ता खोल दिया गया है बाहर निकालने के लिए। आप देख सकते हैं जितने भी मटके हैं सारे बिल्कुल खोल रहे हैं, लाल है एकदम,
और इन्हें ऐसी गर्म हालत में बाहर निकाला जा रहा है। तो भैया इसके अंदर जो नमक है पूरा तैयार है अभी, ये मतलब मैं हैरान हूँ, टेम्परेचर देखिए कितना गर्म है, ये पूरा का पूरा मटका ऐसा हो रखा है जैसे आग है। तो भैया बहुत रिस्क है आपके काम में, तो इसमें इनका कलर देख कर आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितने हाई टेम्परेचर पे ये होंगे, और जैसा कि भैया ने बताया अगर ये छू जाए तो मांस खत्म। तो बेहद रिस्क का काम है और 24 घंटे का काम है। काला नमक हमें दिखने में सिंपल लगता है लेकिन बनाने का प्रोसेस आप देखिए कितनी मेहनत है इसके अंदर। अब जितने भी ये निकाले जाएंगे सारे आप देख सकते हैं इधर इकट्ठे किए जा रहे हैं, यहाँ पे ठंडे होंगे कोई 2.5 से 3 घंटे, अभी देखिए कोई 5 घंटे हो चुके हैं। तो भैया मटका ठंडे हो गए अपने? हाँ ठंडे हो गए। तो अब क्या किया जाएगा इनका? अब इनका ठीकरा छुटाया जाएगा। छुटाइए। तो ये देखिए मटका अपना हो चुका है ठंडा, अब ये ठीकरा छुटाया जा रहा है, मतलब इसके ऊपर जो है मटके की कवरिंग है वो उतारी जाएगी। और भैया जो अंदर निकल रहा है ये प्योर काला नमक है। हाँ जी, प्योर काला नमक है ये। तो ये जो गोल गोल निकला है पूरा, हाँ जी, ये अपना काला नमक तैयार हो चुका है। तो देखिए अभी सारे अपने नमक जो है इनके ऊपर मटका निकाला जा चुका है, अब ये प्योर काला नमक है। अब भैया क्या किया जाएगा इसका? अच्छा, अब इसका स्टॉक लगाया जाएगा, कल गाड़ी में भर के फिर ये मार्केट में जाएगा। तो ये देखिए गाइस नमक अपना आ चुका है इधर। तो भैया जैसे खाने की चीजें से पैर से क्यों लगाए जाते हैं यहाँ पे? ये पैर से लगाया है, अभी गर्म है, इसके ऊपर का जो पैर जहाँ पे पैर लग रहा है वहाँ निकल जाएगा, बाद में मेन आइटम बचेगा। अच्छा, गर्म है बहुत ज्यादा अभी, पैर से जा रहा है, पैर इसका बाहर का निकल जाएगा, सरप्राइज हो जाएगी। तो गाइस ये जो है 24 घंटे भट्टी में रहा है, तो अभी 4 घंटे ठंडा होने के बाद भी इतना गर्म है, हाथ इसे लगाया नहीं जा सकता। ठोस माल इसके मारे गर्म हो रहा है। अच्छा, ठोस माल इस मारे गर्म है, तो इस वजह से पैर से इधर लाके स्टॉक करा जा रहा है, यहाँ से अपना गाड़ियों में भर के मार्केट में जाएगा। अच्छा अच्छा, तो गाइस जो आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं ये जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ये सब काला नमक है, इसके अंदर से क्रिस्टल नहीं निकलता है, ये पूरा का पूरा काला नमक है। तो बनाने का तरीका अनहाइजेनिक है, यस टोटली है। आप बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो भारतीय खाने में इस्तेमाल होता है और इसमें काला नमक ना हो। कोई भी ब्रांडेड मसाला उठा लीजिए, लगभग सभी के अंदर काला नमक इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी आज पहली बार बनते हुए देखा, ना केवल बेहिसाब मेहनत है, बेहिसाब रिस्की काम है, 24 घंटे की कंटिन्यूस मेहनत और कंटिन्यूस रिस्क, तब जाके अपना नमक का क्रिस्टल तैयार होता है। अभी इवन तो मिट्टी में रखा हुआ है लेकिन इसको ग्राइंड किया जाएगा, ग्राइंड करके अंदर का जो मामला है वो पैक करके दिया जाएगा। तो ये अंदर का क्रिस्टल निकाल रखा है मैंने, इवन तो आपको क्या ही टेस्ट करके बताऊं, काले नमक का टेस्ट तो काले नमक जैसा ही आता है। प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा मेहनत वाला है, और मैंने इस तरह का प्रोसेस नहीं देखा है आज तक। बनता हुआ देख के मुझे मजा आ गया, अगर आपको भी मजा आया हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।